नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पतंजलि योग समिति के तत्वाधान और सोनांचल सेवा मंच के सहयोग से हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ देवशीष योग शिविर के दूसरे दिन योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक के सानिध्य में शिक्षा निकेतन ओबरा सोनभद्र में चल रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सोनांचल सेवा मंच के अध्यक्ष अशोक यादव और विशिष्ट योग शिक्षक आयुष बंसल, धर्मेंद्र सिंह, आनंद जायसवाल संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसों के साथ सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, पूरे कादरवास। अब दोनों पर्स कर लेंगे एक साथ, दोनों पर उठाएंगे। सोनभद्र में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सिपाही के सिर पर चढ़ा शराब का नशा। सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र में नशे की हालत में झूलता मिला सिपाही। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना करमा थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच सड़क पर लौट रहे सिपाही को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेजा। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। कलेक्टर सीओ के फर्जी हस्ताक्षरों से निकाले 21.5 लाख रुपए। जिला अंत्या व्यवसायी निगम के कर्मचारियों ने विभाग के साथ की धोखाधड़ी। चेकबुक में से 10 चेक चुराकर 5 का उपयोग किया। लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी व योजनाओं के दलाल शामिल। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हो रही है कड़ी पूछताछ। एक खाली चेक बरामद। एक्चुअली जब मैं पूरा चेकबुक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अंत में, तब मुझे लग रहा था पूरा ट्रांजेक्शन का जो आयव्यय का लेखा होता है, मिलान होता है। हम एक्चुअली अंतर्व्यवसाय से जो चेक काटते हैं वो संबंधित हितग्राह को देते हैं और बैंक के नाम से काटते हैं। इमिडिएटली मेरे पास बैंक से फ़ोन आया कि ये चेक पास करना है कि नहीं करना है। मैं सरप्राइज रह गया कि ये बजरंग इंटरप्राइजेस के नाम से चेक कैसे कट रहा है, हितग्राह को देते हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत उस चेक को रुकवाया। फिर 2 घंटे में हमको पता पड़ गया पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि 10 चेक उसमें से गायब है। अगले ही घंटे एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो अरुण सिसोदिया, उसने जुर्म कबूल कर लिया कि ये चेक मेरे द्वारा फाड़े गए हैं और मेरे द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किसी से करवाए गए हैं, कलेक्टर सर के और आपके। क्योंकि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले मुझको पैसे की ज़रूरत थी और मेरे पर कर्जा था, ऐसा किया इस कारण से। बट उन्होंने कहा कि रिकवरी हम करवा देंगे कैसे भी करके, बट उसने उस समय ऐसा कहा कि चेक स्टॉप करवा दिए गए। फिर हम मैं बैंक में गए, बैंक से पूरा स्टेटमेंट लिया सब कुछ करके, तो उसमें से जो 10 चेक जो थे उसमें से 3 चेक का ट्रांजेक्शन उसमें से होना बताया गया। 1 चेक 8,40,000 का था, 1 चेक 8 लाख का था और 1 चेक 5,10,000 का था। इस तरह कुल 21,50,000 के जो चेक था उनका ट्रांजेक्शन हुआ है 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च के मध्य में, जब हम भोपाल ट्रेनिंग में गए थे और 5 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था ऐसा वहाँ पर लोकसभा का। तो 15 मार्च को आखिरी प्रकार का चेक कैसे पास हो सकता बैंक से। लास्ट चेक जो हमने जो पकड़ा था जिसका ट्रांजेक्शन रुकवाया, वो एक्चुअली सिंडिकेट बैंक के नाम से था और वो MS रोड स्टेट बैंक का मुरैना से पास होता क्लियर होता है। शायद हम ये अगर नहीं पकड़ पाते किसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन, तो वो और भी गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती थी, क्योंकि 200 नंबर का जो लास्ट चेक था वो भी घर से बरामद किया और बिना किसी ट्रांजेक्शन के नाम के इंटरप्राइजेस के, सिर्फ उस पर कलेक्टर मैडम और मेरे मतलब सिग्नेचर थे ब्लैंक चेक के ऊपर। तो ये घोटाला बहुत आगे बढ़ सकता था, सिर्फ 21,50,000 का उसमें हुआ है और हम जल्दी ही रिकवरी कर लेंगे। अपराधी पकड़े गए, उसमें से जो एक्चुअली जो कार्यालय के 3 जो भ्रत थे जो है उनके अलावा एक और दलाल भी पकड़ा गया है निगम करके, एक कोई है मीडिएटर्स जिसके उसके संबंध थे। तो ऐसा उनका पूरा स्टोरी है, मतलब जो अरुण सिसोदिया कंप्यूटर ऑपरेटर जो मास्टरमाइंड जिसमें है, जिसने चेक का काम विभाग का जो अरुण सिसोदिया जो था एक्चुअली वो बोलना चाहिए आउटसोर्स से दैनिक वेतन भोगी था, जो 12 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। तो उसके हम तत्काल सेवा समाप्त कर दी गई। इनिशियली उसने कबूल किया था कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है, किसी का हाथ नहीं है। बाद में यहाँ के आके उसने ऐसा कहा कि हम ये 4 लोग का इसमें पार्टिसिपेशन था। पुलिस जाँच में पूरी तरह से पता चल जाएगा एक तरह से कि कौन कौन इसमें
इन्वॉल्व है, बट मास्टरमाइंड जो था अरुण सिसोदिया। ओबरा थाना क्षेत्र के भलुआ माइंस अहमदनगर में एक महिला को करंट लगने से मौके पर हुई मौत। सूत्रों के अनुसार महिला का नाम साफी, उम्र लगभग 46 वर्ष, पति बंगाली खान अहमदनगर बताया जा रहा है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र की है। सूत्रों के अनुसार इसकी सूचना पर बार निजी कंपनी ऑफिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।